लोग कहते हैं कि सपना टूट गया, टूटती तो नींद है, सपने कभी टूटा नहीं करते। हम ऐसी बहुत सी कहावतें सुने हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन उन चीज़ों को प्रैक्टिकल में बहुत कम देख पाते हैं। हम आपको बता दें, जब आप किसी छोटी जगह से आप शहर आते हैं तो पढ़ाई लिखाई शिक्षा के अलावा और कई चीज़ें होती हैं जिनसे आपका सामना होता है। आपको रहना पड़ता है, आपको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सारी परेशानियों को पीछे छोड़ देते हैं और उनको हरा देते हैं, आप कह सकते हैं। हमारे साथ इस समय निधि कनौजिया जी हैं, जिन्होंने इंटर में यहाँ से अपने स्कूल के साथ साथ अपने परिवार को का मान बढ़ाया है। और मैं आपको बता दूं, इनकी मम्मी बगल बैठी हैं और इनकी इधर कपड़े प्रेस करने की इन्हीं की एक छोटी सी दुकान है। और आप पीछे देख सकते हैं इनका घर है, अगर कैमरे में आ रहा हो ठीक से। तो सबसे पहले निधि जी, ये बताइए कि आप जब तैयारी करती थी तो क्या क्या, किन किन समस्याओं से आपको सामना करना पड़ता था? तैयारी करते समय तो मतलब पहली चीज़ कि घर पे कोई पढ़ा, मतलब मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर मैंने बचपन से जो किया है वो अपने आप पढ़ा है। फिर बगल में एक दो आंटियाँ वगैरह हैं, नहीं समझ में आता तो उनके पास चले जाते। बाकी टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और क्लास में मतलब हाँ, मैंने बहुत अटेंशन दिया क्योंकि पता था कि अगर नहीं क्लास में नहीं समझा तो घर पे कोई समझाने वाला नहीं है। तो क्लास में पूरा अटेंशन देती थी, घर पे आके एक जो भी होमवर्क था रेगुलर बेसिस पे करती थी, रिवीजन करती थी, तो उस तरीके से हो गया। मतलब रात में आपके यहाँ लाइट जलती है इसमें? अच्छा, परेशानियों की बात करी जाए तो मतलब पहले तो लाइट नहीं थी, तो फिर काफ़ी टाइम तो ऐसा था कि पहले हमारी दुकान थोड़ी आगे थी तो उधर रोड साइड लैंप हुआ करते, तो मम्मी लोग प्रेस करती थी तो मैं वहाँ पढ़ती रहती थी। फिर जब इधर लाइट का कनेक्शन मतलब बगल वालों से मिल गया तो फिर घर पे भी पढ़ती थी। पर लेकिन फिर दिक्कत ये आई कि एक ही मतलब रूम है, सब लोग उसी में हैं, बात कर रहे हैं, खाना बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो फिर यूजली जब सब सो जाते थे तो थोड़ा जल्दी उठ के 4 बजे उठ के पढ़ लिया ताकि शांति रहे और मतलब मैं पढ़ सकूँ, इतना शोर ना हो। तो इस तरीके से किया पढ़ाई। आप कितने घंटे आपको पढ़ने का मौका मिल जाता था? और पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ काम करने होते थे घर पे आपको? घर का तो ऐसा, मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने मतलब बोला है कि ठीक है जब तक पढ़ाई करना है करो। तो मतलब अच्छी थी मैं बचपन से पढ़ाई में, तो काफ़ी सपोर्टिव थे। तो घर का ऐसा कुछ काम नहीं किया है, मतलब मम्मी पापा ने सब संभाल लिया है। बाकी पढ़ना और थोड़ा बहुत मम्मी का हाथ बटा देते थे छोटी छोटी चीज़ों में, पर ऐसे घर का काम कुछ नहीं किया है। मम्मी ने बोला है कि तुम पढ़ाई करो, तो मतलब दिन में घंटों के हिसाब से तो मैं नहीं पढ़ती थी क्योंकि मुझे लगता है कि आप 10 घंटे भी बुक लेके नहीं बैठे रहे और ना मतलब इतना कॉन्सेंट्रेट करके ना पढ़े तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं 2 घंटे ही पढ़ती थी, मतलब अगर पढ़ती थी तो 2 घंटे फिर सिर्फ पढ़ती थी, फिर मतलब फिर इधर उधर नहीं, तो वो हो जाता था। मतलब एक बार आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं तो हो जाते हैं। कोई पढ़ाई करने का एक आप कोई आइडिया, कोई विचार अपना बताना चाहेंगे? क्योंकि आप जैसी यहाँ कई हज़ारों लाखों लड़कियाँ पढ़ाई कर रही, तैयारी करती हैं, और मैं देखा हूँ कि कई लोग खूब पढ़ाई करते हैं, उनके नंबर्स नहीं आ सकते, आप आते हैं, तो आप उनको कोई एक संदेश दे सकती हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करें, अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें? तो एक कोट है जो मैंने पढ़ा था काफ़ी साल पहले, जो कि मेरी पूरी ये स्टडी लाइफ में अभी तक मुझे बहुत मोटिवेट करता आया है कि प्रैक्टिस एज यू हैव नेवर वन एंड परफॉर्म एज इफ यू हैव नेवर लॉस्ट। तो फिर आप ऐसे पढ़ाई करो कि जैसे आप मतलब हमेशा से फेल होते आए हो, और जिस समय एग्ज़ाम हो आपको तो आप ऐसे वहाँ पे लिखिए, इतने कॉन्फिडेंस से जाइए कि आप कभी फेल नहीं हुए और ना आप हो सकते हैं। तो पहली चीज़ यही कि प्रैक्टिस एज इफ यू हैव नेवर लॉस्ट एंड परफॉर्म एज इफ यू हैव नेवर वन, फर्स्ट मंत्र मेरा यही था। सेकेंड ये था कि क्लास में ध्यान देना पहली चीज़, और टीचर्स मतलब टीचर्स बहुत अच्छे से गाइड करते आए हैं, टीचर्स जो बताते हैं उस बस उतना फॉलो कर लो काफ़ी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। इंटर के बाद क्या बनना चाहती हैं, किस फील्ड में आप आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं? अभी तक का तो प्लान ये है कि मुझे बीए ऑनर्स करना है, मतलब मुझे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो बीए ऑनर्स हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से करूँगी। वो भी मतलब प्रेफरेंस मेरी है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज मिल गया अच्छा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊँगी, और उसके बाद ग्रेजुएशन के साथ सिविल्स की भी तैयारी करने का सोचा है, उसके बाद सिविल्स का एग्ज़ाम देंगे। ये इंटर में आपने किसी कोचिंग संस्थान या कहीं कोचिंग की थी? नहीं, कोचिंग मैंने कभी नहीं करी अपने स्कूल लाइफ में, कोचिंग कभी नहीं करी,
नहीं समझ में आता था टीचर्स के पास दोबारा जाती थी, टीचर बता दीजिए, तो बता देती थी सब। और बाकी अगल बगल के भी थोड़े लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो हो जाता था, कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। ये हमारे साथ बगल में निधि की माता जी हैं। माता जी, आप स्कूल में कहाँ तक पढ़ाई की हैं? हम तो कहाँ पढ़े भैया, कुछ नहीं पढ़े ना, ये भी नहीं पता कैसे पास हुई, बस सब कोई बताता है वही समझी थी, अच्छा पास हुई, अच्छा पास हुई। बिटिया पास हुई है, अच्छे नंबर से पास हुई है, और वही सुनी थे। और पहली बार कल गए स्कूल, 12 साल पढ़ ली हम, कल बहुत बुलाने पे गए, इसीलिए कि हम पढ़ नहीं पाते, वहाँ जाएंगे सब इंग्लिश इंग्लिश बोलेंगे, हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, मगर वहाँ जाके सब लोग अच्छे से मतलब बात की। ये निधि, पापा कहाँ हैं आपके? पापा अभी गए हुए हैं लॉन्ड्री गए हैं, मतलब हमारी एक लॉन्ड्री की दुकान है, वहाँ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निधि, काम चलता है, शुक्रिया। हमारी स्वतंत्र प्रभात की जितने भी दर्शक हैं, जितने भी टीम है, वो आपको बधाई देती है और साथ भी एक हिदायत देती है कि इस चमक दमक में आपका कंसंट्रेशन भंग ना हो, क्योंकि आपका जो रास्ता है, जो सफ़र है, वो बहुत दूर है, बहुत लंबा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत सारे आप नारे सुने होंगे, बहुत सारी सरकार की स्कीमें सुनी होंगी, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ज़मीन पे आके ये काम करते हैं लड़कियों के लिए, और ख़ास करके जिनका बैकग्राउंड नहीं एवरेज है। तो मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ पे ये निधि एक अच्छा नंबर लाई है, और कहीं ना कहीं हालात बहुत ही प्रतिकूल थे, और इस खुशी में हमारे संत गाडगे जन कल्याण सेवा समिति उत्तर प्रदेश लखनऊ एक संस्था है, जिसने अपना कीमती समय निकाल के आके निधि को सम्मानित किया है, और हम चाहते हैं कि ऐसी ही संस्थाएं हों जो ज़मीन पे काम करें, सिर्फ पेपर पे ना काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल उनको करता है कि वो अपनी इस मुहिम में और कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। So I would also like to give the credit of my entire successful journey to several people, being obviously my family. My parents have always supported me, and my brother, my sister, she's like Neetu Didi has always supported me, and she has always stood by my side whatever was the case. Second, there's an NGO that is Prerna. So I got admitted into Prerna, and then it is run by Dr. Urvashi Sahani, so they have always been a great support to me, and when they recognize that I am good in studies and I can do much better, so they transferred me from Prerna School to Study Hall School in 2010, and since then I have been studying in Study Hall School, and that's the reason I have also improved upon my English, and they have been a really great support. They have showed so much of faith in me, and I would like to give my credit to them. And recently I have also won a scholarship, that is a Vahani scholarship, which will support my entire educational cost for undergraduate. So I would like to thank all of them. Thank you.